हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार सिद्धू पाटिल ने आज गुरुवार 20 अप्रैल को अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खूबा और हुमनाबाद के कई पार्टी नेतागण उपस्थित रहे। अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सिद्धू पाटिल ने मीडिया कर्मियों से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता मुजफ्फर शेख की रिपोर्ट। नामपत्र सलीके कार्यक्रम इटे कार्यक्रम मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पागंदर अदे रीति केंद्र सचिव सन्मान्य श्री भगवंत खूबाजी कूड़ा कार्यक्रम बंद अदे रीति नम जिले अनेक मुखंड नम मंडल अरे नम मतक्षेत्र हुमनाबाद मतक्षेत्र नम मुखंड कार्यक्रम पागी कार्यक्रम बहुत यशस्वी हुमनाबाद महाजनते नोड़बूत हुमनाबाद महाजनते स्वइच्छा हुमनाबाद इडी एला हल्त नन अन्स्ता इवत हुमनाबाद मत क्षेत्र हल्ला हुमनाबाद हल्द जन कूड़ा इवत नन आशीर्वाद मालक बंदार अंत नानी तलेबा इनमे अभिनंद।